आस्था के तहत ताजगंज के बरौली अहिर में हिंदू देवी देवताओं की आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया, जहां मंदिर को ध्वस्त कर मूर्तियों को हटा दिया गया। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के बरौली अहिर आम्रपाली बिहार कॉलोनी में जमीनी विवाद के चलते हिंदू देवी देवताओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। भूमि स्वामी कालीचरण के कहे अनुसार मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति को हटाने तथा मंदिर को ध्वस्त करने का काम कॉलोनाइजर और पुलिस की मिलीभगत से किया गया। कालीचरण ने हिंदू देवी देवताओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप पुलिस तथा कॉलोनाइजरों पर लगाया है। वहीं अखिलेश पुत्र कालीचरण का कहना है कि जमीन हमारी पैतृक जमीन है, जहां पर हमने बहुत समय पहले भगवान की मूर्तियों की स्थापना की थी और अब नवदुर्गे आने वाले हैं, जिसके चलते भव्य मंदिर बनाने का निर्माण कार्य चल रहा था। और बताया कि हमारी अनुपस्थिति में पुलिस और कॉलोनाइजरों ने मंदिर निर्माण को ध्वस्त कर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया गया है। रखी गई थी काफ़ी महीने पहले, वो यहाँ मिली नहीं हमको। यहाँ हमें सूचना दी किसी ने कि यहाँ से मूर्तियाँ गायब हो चुकी हैं, तो हम लोगों ने आके देखा, पता चला किसी तरीके से कि यहाँ फोर्स आया था और वो मूर्तियों को उठा के ले गया। फोर्स कहाँ का आया था? एकता पुलिस चौकी। तो आपने वहाँ जाके कुछ बात की, पूछा उनसे? पूछा और उन्होंने कहा ये अवैध है। और किस तरीके से अवैध है उनके पास? आपने उन्हें कागज वगैरह सब चीज दिखाई? पहले कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि ये मूर्तियाँ आप यहाँ नहीं रख। अच्छा, मूर्तियाँ? जी हाँ, ये हमारी पैतृक जमीन है, ये जमीन है, वो आगे भी जमीन है, ये यहाँ से वहाँ तक ही हमारे खेत थे। यहाँ हमने पर्सनल अपनी कॉलोनी काटी, उसके लिए अपना पर्सनल रास्ता बनाया, वो रास्ता वहाँ तक है। यहाँ तो कोई रास्ता है ही नहीं, लेकिन वो जबरन पीछे कॉलोनी काटने के चक्कर में यहाँ जबरन रास्ता निकालने के चक्कर में ये यहाँ तक बरौली ही रहे, उसके बाद चमरौली लग जाता। नहीं, यहाँ कोई था नहीं ना उस समय, कोई था नहीं, किसी को संज्ञान में ही नहीं था कि यहाँ पुलिस है। पैतृक संपत्ति है, हम पैतृक संपत्ति पे अपना मंदिर बनाना चाह रहे हैं, असामाजिक तत्व इसको रास्ते में तब्दील करना चाहते हैं। जो हमारे पास सारे कागज हैं, सारा सबूत है, पुलिस हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। कल से हमको इतना परेशान कर दिया है कि हम रात भर नहीं सो पाए। ऐसा पुलिस क्यों कर रही है? ये तो भगवान जाने साहब, वो दबंग लोग उनको पैसे दे रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, वो उनका विषय है, वो क्या कर रहे हैं। परंतु हमको यहाँ पे उन्होंने कल से चैन से नहीं रहने दिया है। आज से एक महीने पहले उधर से एक मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ, एक दूसरा मुकदमा दर्ज है। हम एसपी सिटी एसडीएम के पास भी गए, उनके संज्ञान में भी मामला दिया, फिर भी वो मूर्ति उखाड़ के ले गए यहाँ से। पुलिस आई और कोई अधिकारी लोग आए होंगे, हमारे अनभिज्ञता में वो मूर्तियाँ उखाड़ के ले गए यहाँ से, जिसमें और मूर्ति उखाड़ने के बाद में दबंग लोग दिनेश यादव डॉक्टर कप्तान सिंह यहाँ पे जेसीबी लेके आए और पीछे खड़े रहे कि हम इस मंदिर को आज इस दीवाल को भी नहीं छोड़ेंगे। मंदिर तो हमने खड़वा दिया, पर इस अब दीवाल को भी नहीं हम छोड़ेंगे, ये कहाँ का न्याय है? तो पुलिस हमारी एक मिनट सुनने को तैयार नहीं है, दबंग लोगों की सुन रही है, जो हमारी ईमानदारी से हम जो कह रहे हैं उसे सुनने को तैयार ही नहीं है एक मिनट भी। ये मूर्तियाँ उखाड़ी गई है, कब की घटना है? जी आज सुबह की घटना है। तो आपकी मौजूदगी में ये मूर्तियाँ? नहीं साहब, हम एसडीएम साहब और वहाँ पे गए थे, ये हमारे पास पत्र है, ये सब पूरा ये उन्होंने दिया था हमें, उन्होंने कहा यथास्थिति बनी रहे। परंतु फिर द्वारा हमको मालूम पड़ा मूर्ति उखाड़े, हम द्वारा गए उनके पास मुद्दे के, तब उन्होंने फोन किया, तब यहाँ से फोर्स गया, मूर्तियाँ वो ले जा चुके थे जब तक यहाँ से। अच्छा, आपने ये मूर्तियों की स्थापना कब की? कितना बहुत टाइम पुराना टाइम है साहब, पुराने टाइम से स्थापना है इसकी। हम तो इसको नव दुर्गा के चक्कर में इसको साफ करा के मेरे की और मूर्तियाँ पधरवाएंगे और इसको भव्य मंदिर बनाएंगे अपने पूजा पाठ के लिए। ये सामाजिक जगह नहीं है, इसमें किसी का कोई विवाद नहीं है। आपको पता चला कि पुलिस प्रशासन इसमें मौजूद है, आप पुलिस प्रशासन के पास गए? जी गए, सबके पास गए सर, हमारे पास सारे सबूत हैं। क्या कहा गया? आपको धमकाया गया, डराया गया कि मंदिर को हटाइए, ये मंदिर नहीं बन सकता है, बन नहीं सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? हम पूछते कल आए साहब, हमने कहा किसी ने हमारे खिलाफ FIR की है, किसी ने हमारे खिलाफ में कोई तहरीर दी है कि हमारे पास तो फोन अधिकारियों के आ रहे हैं। अरे अधिकारियों के फोन आ रहे हैं तो भैया हमें बताओ तो सही, किस लिए आ रहे हैं, किस बेस पे आ रहे हैं अधिकारियों के फोन?